continue our topic as in last topic we have talked about intermolecular attraction forces and wonderful force of attraction it's not necessary that between molecules always there is attraction apart from attraction there is repulsion is also present over there let, let me explain you see over here <coughs> what happens this molecule has electrons in, in its outermost periphery as well as it has

cloud there is also repulsion between the nuclei as the distance decreases between the two atoms or molecule the repulsive force is rises very rapidly jab in dono ke beech ka distance jitna kam hota hai repulsion kafi zyada hota hai that is the one of the reason which we need to understand ki jab aapke paas यहाँ पे gas के मॉलिक्यूल से तो gas के molecules काफी एक दूसरे से दूर होने की वजह से इसके अंदर repulsion नहीं होता है since they are very far apart काफी दूर होने की वजह से बट जैसे ही आप उसके ऊपर प्रेशर लगाते हो देन ये मॉलिक्यूल नजदीक इसके आ सकता है यहाँ पे बट सिंस रिपल्शन अभी भी नहीं होता है नजदीक आने के बाद भी नहीं होता क्योंकि दूर है अभी भी देन वी कैन अप्लाई द प्रेशर सी गैस के ऊपर प्रेशर क्यों हम लगा सकते हैं खाली प्रेशर लगाते ही इतना नहीं प्रेशर लगाने से उसकी इफेक्ट भी हमको दिखती है गैस पे क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स काफी दूर होने की वजह से देर इज नो रिपल्सन सो यू कैन बाई अप्लाइंग प्रेशर यू कैन ब्रिंग देम नियर टू इच अदर बट यही चीज हम गैस सॉलिड के अंदर नहीं कर सकते सॉलिड में ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के काफी नजदीक में होते हैं एंड देर इज लॉट्स ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस आर आल्सो प्रेजेंट तो इफ यू अप्लाई प्रेशर ओवर हियर ये वाला मॉलिक्यूल इसके नजदीक में नहीं जा सकता है इसीलिए जब हम सॉलिड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं दे आर इनकंप्रेसिबल बट गैसेस आर कंप्रेसिबल सो लिक्विड लिक्विड्स आर आल्सो ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल लिक्विड में ऐसा है कि उसके मॉलिक्यूल भी काफी नजदीक में होते हैं एक दूसरे के सो so, काफी नजदीक में होने की वजह से यहां तक बताया गया है कि अगर आप लिक्विड के ऊपर 1000 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दो कितना लगा रहा देन द वॉल्यूम चेंजेस ओनली बाय 4% At 290 kelvin temperature and 1000 bar pressure applied on water, then the volume reduced only by now in gaseous state, molecules are arranged far away, and hence applying pressure, the molecules come nearer, and hence the effect of pressure is maximum on the gaseous state. So, apart from attractive forces, what do we have is रिपल्सिव फोर्स आर ऑल्सो दे अपार्ट फ्रॉम रिपल्सिव फोर्स मोर थिंग टेन जितने भी मॉलिक्यूल्स है वह मालिक्यूल्स के पास दे है ऑन एनर्जी वी नो उनके पास मोशन है हमने लास्ट टाइम यह बात टॉपिक के बारे में बात किया था और मैं आपको बता रहा था कि सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है यहाँ पे और इस सब्सटेंस के अंदर जो मालिक्यूल्स रहते बिस मोलिक्यूल्स जो रहेंगे वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते रहते करेक्टो न दे वाइब्रेट इवन दे रोटेट ओके एंड इवन दे रिवॉल्व भी होते हैं ओके ट्रांसलेशन भी होते ओके लीनियर मोशन सो बिकॉज ऑफ दिस मोशन ओके वो एक दूसरे के नजदीक नहीं आते क्योंकि ये जो मोशन है वो मोशन की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है एक दूसरे को रिपेल करना चालू कर सकते हैं अच्छा भाई देव ये जो मौसन है तीनों मौसन को एक्चुअली ये तीनों मौसम को कंबाइन जो होता है खाली खाली मोशन को उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं वॉट डू वी कॉल बिकॉज दैट एनर्जी डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन टेम्परेचर जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वो लीनियर वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन बढ़ जाता है एंड दैट्स वाई थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस एंड हायर द थर्मल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस जितना थर्मल एनर्जी ज्यादा है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है लेस हो जाता है सो so, एक दूसरे के ऑपोजिट है एक दूसरे के ऑपोजिट है इसीलिए जब हम ओके okay, इसको हीट करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की दूर चले जाने की वजह से फोर्स ओके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से वी नो सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड एंड सो लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैस एंड उससे उल्टा भी है ओके okay, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस कन्वर्ट्स टू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट्स टू सॉलिड बाय द वे गैस को हम दो तरीके से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं पहला तरीका है बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन दिस आप इसके ऊपर प्रेशर लगाइए एंड सेकंड तरीका है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर लेकिन लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखो आप कितना भी प्रेशर लगा दो ओके okay, ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे कि तो जब इसकी जो थर्मल एनर्जी है अगर इसकी थर्मल एनर्जी सॉलिड जीतनी है सॉरी गैस जीतनी है काफी हाई है और अगर आप उसको प्रेशर लगा रहे हो तो ये उसके नजदीक में नहीं आने देगा बिकॉज इसको धक्का मार देगा सो so, खाली प्रेशर अप्लाई करने से कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है उसका पहले थोड़ा टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है देन प्रेशर लगाना पड़ता है

The most important factor which decides the physical state of matter is the effect of thermal energy on the motion of molecules. Due to this motion of molecules, the atom of energy produces is called thermal energy. It depends on temperature of substance. On increasing the temperature of the motion, the molecule or the atom is increased. This motion is also called thermal motion, and

Thus, only compression of the gas will not convert the gas into solid or liquid, but by decreasing the temperature of the gas, its thermal energy can be decreased. So, it can be liquefied easily. Are you following this?